नमस्कार खबर न्यूज के विशेष कार्यक्रम गलियारों से मैं आपका स्वागत है मैं हूँ बालकृष्ण और आइए सबसे पहले बात करते हैं नाथ सरकार की नागरिकता संशोधन कानून का विरोध सूबे के साथ साथ अनेक राज्यों में हो रहा है विरोध स्वरूप देश भर में प्रदर्शन हो रहा है लेकिन अब सूबे की कांग्रेस कानून के विरोध में सड़कों पर उतरने की तैयारी में कहा जा रहा है कि इस विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व के नाथ यानी कमलनाथ करने जा रहे हैं जिसकी चर्चा भर के गलियारों में जमकर की जा रही है कहा जा रहा है यदि नाथ सड़कों पर उतरे तो इस प्रदर्शन की व्यापकता क्या होगी जरा इसकी भी चिंता कर लेना 25 दिसंबर को राजधानी में सूबे के मुखिया कमलनाथ की अगुवाई में सारे मंत्री और विधायक नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में प्रदर्शन करेंगे अब जब से यह खबर आई सुबह भर के गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया कहा जा रहा है कानून को लेकर जनमत संग्रह किया जाएगा देश की दिल्ली में केंद्र सरकार के खिलाफ हुए हल्ला बोल के बाद ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने कांग्रेस शासित सभी राज्यों में प्रभावी तरीके से प्रदर्शन करने का निर्देश दे डाला जिसके बाद हर दिन बड़ी ही तेजी के साथ सूबे का माहौल बदल रहा है और चर्चाओं का बाजार गर्म कहा जा रहा है पार्टी इस बार जनता का मत जानेगी देश के कई राज्यों में नागरिकता संशोधन कानून का बड़े स्तर पर विरोध हो रहा है ऐसे में पार्टी कमलनाथ के नेतृत्व में प्रोटेस्ट मार्च की योजना पर काम कर रही है 25 दिसंबर को सीएम कमलनाथ के साथ साथ की सरकार के सारे मंत्री और विधायक इस प्रोटेस्ट मार्च का हिस्सा बनेंगे इस मार्च में बड़ी तादाद में हर जिले से कार्यकर्ता राजधानी पहुंचेंगे और हल्ला करते नजर आएंगे ए से मिले निर्देश के बाद सुबह में तैयारियां शुरू हो चुकी कहा जा रहा है दिल्ली के बाद राजधानी भोपाल में भी नाथ विरोध के बहाने अपना दम दिखाते नजर आएंगे इस बात की चर्चा अब सियासी गलियारों में होनी शुरू हो गई कहा जा रहा है जब राजधानी में इस, इस स्तर पर विरोध प्रदर्शन होगा तो इसकी भव्यता क्या होगी क्या इस बारे में कहीं कोई चिंता की जा रही है चर्चा की जा रही है इस दिन पूरे भोपाल में प्रदेश का कांग्रेस ही जा पहुंचेगा वो नजारा क्या होगा पार्टी कार्यालय के गलियारों से खबरें आ रही है प्रदर्शन में सूबे भर से कार्यकर्ता हिस्सा लेंगे और विरोध दर्ज करवाकर जता देंगे की सूबे में नाथ का राज है मुंह चलाने में और सरकार चलाने में अंतर है जी हाँ बात तो सही है लेकिन यही बात सुबह के मुखिया कमलनाथ के मुंह से निकली और बड़ी बन गई हुआ भी ऐसा ही कुछ और पूर्व मुखिया शिवराज भी बोल गए हमने भी सरकार चलाई है मुँह नहीं अब बात भली बराबरी की हो गई लेकिन चर्चा का बाजार है कि थमने का नाम ही नहीं ले रहा है कहा जा रहा है बात में दम है और पढ़ला भी नात का ही भारी है समझ रहे हैं ना

पूर्व मुखिया यानी शिवराज प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव बोल चुके हैं मुख्यमंत्री सदन के नेता हैं उन्हें ऐसे कटाक्ष नहीं करना चाहिए हालांकि मुखिया ने यह भी कह दिया मैंने किसी का नाम लेकर टारगेट नहीं किया अब जब से मुखिया जी और पूर्व मुखिया जी भी इस मामले में बोल चुके हैं सुबह भर के गलियारों में दोनों के कहे की चर्चा है कांग्रेस गलियारों में इस बात की चर्चा को ज्यादा हो रही है कि सूबे की आवाम जानती है किसने मुंह चलाया और किसने सरकार इधर भाजपाई गलियारों ने इस विषय पर मौन धारण कर लिया वो समझ रहे हैं ये मामला बड़ों का है और इसमें बड़े बोल चुके हैं ऐसे में इस विषय पर सूबे में कमलनाथ की मजबूत कांग्रेस सरकार है और विपक्ष यानी भाजपा भी सदन से लेकर सड़क तक मजबूती दिखाने की कोशिश में जुट गई है जिस अंदाज में विपक्षी पार्टी के नेताओं ने बयानबाजी करना शुरू की है वो इसी बात को जन्म दे रही है राजधानी से लेकर इंदौरी गलियारों में नेतागण बयानी तीर छोड़ रहे इसमें सांसद शंकर ललवानी से लेकर युवा मोर्चा के पुराने और मौजूदा नेता शुमार हैं, जिनकी चर्चा हर गलियारे होना शुरू हो गई है सूबे में कमलनाथ की मजबूत कांग्रेस सरकार है और अब विपक्ष यानी भाजपा भी सदन से लेकर सड़क तक मजबूती दिखाने की कोशिश में जुट गई जिस अंदाज में विपक्षी पार्टी के नेताओं ने बयानबाजी करनी शुरू की वो इसी बात को जन्म भी दे रही है राजधानी से लेकर इंदौरी गलियारों में नेतागण बयानी सांसद से लेकर युवा मोर्चा के पुराने और मौजूदा नेता शुमार हो हो गए जिनकी चर्चा अब हर गलियारे होनी शुरू हो गई राजधानी में जहां विपक्षी दल के विधायकों ने शीतकालीन सत्र के दौरान सत्ताधारी पार्टी को घेरने की कोशिश की और हंगामा किया कुछ काम इंदौरी गलियारों में भी हो गया इंदौरी गलियारों में भारतीय जनता युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं से मिलने वो सब नेता पहुंच गए जो इंदौरी मीडिया में छाने को बेताब थे सुबह के वक्त सांसद शंकर ललवानी जेल पहुंचे उन्होंने जेल की दयनीय स्थिति की मीडिया ब्रीफिंग कर डाली कह डाला सरकार इधर भी ध्यान दे सांसद जी के कहे की चर्चा हो रही थी कि पूर्व मोर्चा अध्यक्ष नहाकर नए लिबास में जेल पहुंच गए नाथ को कटघरे में खड़ा करने की पुरजोर कोशिश करते सुने गए गए कह यदि कार्यकर्ता और सक्रिय होते तो शायद गोली चल जाती उन्होंने यहां तक कह डाला कि नाथ अराजक माहौल बना रहे हैं इन्हीं के साथ मौजूद अध्यक्ष कहा चुप रहने वाले थे उन्होंने मौका मिला तो मीडिया के कैमरे पर बोल गए प्रशासन साजिश कर रहा है ऐसा कौन सा अपराध युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं ने किया अब जब से विपक्षी दल के नेताओं की बयानबाजी मीडिया में छाई हर तरफ चर्चाओं का बाजार गर्म कहा जा रहा है नाथ सरकार के एक साल के पूरा होते ही विपक्ष ने अगले चार साल की तैयारी यानी चुनावी तैयारी शुरू कर दी पार्टी नेताओं को लगने लगा यदि सक्रिय नहीं हुए तो नाथ की कार्यशैली उन्हें आने वाले समय में सत्ता से दूर रखेगी जिसकी चिंता पार्टी कार्यालय के गलियारों में सुनी और सुनाई जाने लगी अब जब से विपक्ष ने सदन से लेकर सड़क तक आंदोलन करना शुरू किया लगने लगा विपक्ष ने अपना काम शुरू कर दिया जिसकी चर्चा अब हर गलियारे हो रही है भाजपा महासचिव कैलाश विजयवर्गीय अपने कार्यकर्ताओं पर जान छिड़कते ये बात पहले से चक जा रही है लेकिन अब जब से युवा मोर्चा कार्यकर्ता जेल में बंद किए गए थे और रिहाई के इन वक्त पहले बड़े साहब यानी कैलाश विजयवर्गीय जेल के भीतर पहुंच गए जिन्हें देख कार्यकर्ता बेहद खुश नजर आए आप कह रहे हैं जेल जाना सार्थक हो गया जिसकी चर्चा भाजपाई गलियारों में जमकर की जा रही है भाजपा महासचिव कैलाश का सियासी अंदाज निराला है बड़े विजयवर्गी सक्रियता दर्ज करवाते हैं उनके पास दायित्व तो भले ही पश्चिम बंगाल का हो लेकिन उनके दिलो दिमाग में इंदौरी कार्यकर्ता सदैव बसा है इंदौरी गलियारों में भारतीय जनता युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं ने युवा आक्रोश दर्ज करवाया और जेल पहुंच गए इन कार्यकर्ताओं से मिलने पार्टी का हर नेता पहुंचा लेकिन जैसे ही शाम ढलते पार्टी महासचिव कैलाश विजयवर्गी पहुंचे तो जेल से रिहा होने के पूर्व ही कार्यकर्ताओं का मानो दिल बाग बाघ उठा कहा गया भाजपा महासचिव कैलाश विजयवर्गीय अपने कार्यकर्ताओं पर जान छिड़कते हैं ये बात तो पहले से जग जाहिर है लेकिन इस बात का अंदाजा नहीं था कि भाई साहब भी मिलने आ जाएंगे अब जब से युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं की जेल से रिहाई के पहले बड़े साहब खुद जेल के दर पर पहुंचे बस बड़े विजयवर्गी की चर्चा है कहा जा रहा है वैसे तो पार्टी महासचिव विजयवर्गी को इस समय पार्टी कार्यालय पहुंचना था लेकिन वो पहले उन कार्यकर्ताओं तक पहुंचे जो जेल से रिहा होने वाले थे जैसे ही रिहा होने से पहले कार्यकर्ताओं ने सामने खड़े बड़े विजयवर्गी को देखा सभी मन ही मन कह गए जेल जाना सार्थक हो गया अब इस बात की चर्चा पार्टी कार्यालय के गलियारों में विषय बन गई कहा जा रहा है बड़े साहब के क्या कहने कभी पश्चिम बंगाल तो कभी नौरी गलियारों में साथ साथ साहब कदम दाल कर रहे हैं मान गए साहेब को कहीं पीछे नहीं क्या अपने क्या बेगाने जिन जिन ने उन्हें पुकारा हम चले आए बात हो गई और अंत तो में बात करते छोटे विजयवर्गी की भाजपा महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के, के बेटे और विधायक आकाश विजयवर्गी ने एक बार फिर सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर सरकार को चेतावनी दे डाली कहा डाला है युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं पर प्रदर्शन के दौरान लाठीचार्ज गिरफ्तारी निंदनीय है अब जब से छोटे वर्गी ने वीडियो शेयर किया है उन्हीं उन्हीं की चर्चाएं की जा जा रही कहा रहा है यह है सक्रिय राजनेता यानी छोटे आकाश विजयवर्गी राम भक्त भाजपा महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के बेटे और विधायक आकाश विजयवर्गीय ने युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं पर लाठी चार्ज और फिर उनकी गिरफ्तारी की निंदा कर डाली छोटे विजयवर्गीय ने बकायदा एक वीडियो जारी किया और सरकार को चेता दिया वो युवाओं की आवाज नहीं दबा सकती जो वादा किया उसे पूरा करे नहीं तो हम युवा इस सरकार को चलने नहीं देंगे अब जब से छोटे विजयवर्गीय ने बातें कही नाथ सरकार के लिए चेतावनी करार दिया जा रहा है जिसकी चर्चा भाजपाई गलियारों के साथ सुबह के गलियारों में होनी शुरू हो गई कहा जा रहा है छोटे विजयवर्गीय ने जिस अंदाज में वीडियो जारी किया उससे यह लगता है कि वो इंदौर में कार्यकर्ताओं के साथ हुई घटना से बेहद आहत है इसलिए कह रहे हैं मैं विधानसभा से बाहर आया तो पता चला कि सरकार की वादा खिलाफी को लेकर विरोध कर रहे भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने वाटर कैनन किया लाठी भाजी और फिर जेल में डाल दिया छोटे विजयवर्गीय कह रहे हैं हम सब जानते हैं कि चुनाव के समय कांग्रेस ने युवाओं किसानों और जनता से कई वादे किए इन वादों के बाद ही वो सत्ता में आई कांग्रेस ने युवाओं को चार हजार रूपए बेरोजगारी भत्ता देने के साथ ही रोजगार खुलने के लिए सहायता राशि देने का वायदा किया विधानसभा में मैंने सवाल किया तो जवाब मिला कि सरकार का ऐसा कोई इरादा नहीं युवा मोर्चा के साथी इसके खिलाफ उतरे तो उन्हें लाठियां मारी गई मैं इसकी निंदा करता हूं मैं इस वीडियो के माध्यम से कमलनाथ सरकार को चेतावनी देता हूं कि युवाओं की आवाज दबाने का प्रयास किया आप और आपकी सरकार टिकने वाली नहीं आपने जो वादा किया उसे पूरा करें नहीं तो हम ये सरकार नहीं चलने देंगे अब जब से विधायक बने आकाश का यह अंदाज उनकी जुबानी बया हुआ हर गलियारे चर्चाओं का बाजार गर्म है कहा जा रहा है छोटे का अंदाज भी वही है जो बड़े विजयवर्गीय का अपनों के लिए होता है जय श्री राम खबरबार न्यूज के विशेष कार्यक्रम गलियारों से को आप यूट्यूब पर भी सर्च कर सकते हैं गलियारों से क्या इतना ही ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए खबरबार न्यूज